अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके अपनी यूट्यूबर हिना। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने वाले हैं करेले चिकन। तो जी ये मैंने करेले लेकर इनको काट लिया बारीक बारीक, ठीक है। और ये जी हमारा चिकन है जिसको मैंने वॉश कर लिया है। और ये देखें, आप देख सकते हैं करेले जो हैं मैंने 1.5 किलो लिए हैं, ठीक है। और इनको मैंने छील कर बारीक बारीक कटिंग कर ली है और इनको वॉश करके इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो ड्रेन करने के लिए रख दिया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि करेलों को नमक लगाते हैं, धूप में रखते हैं, फिर इनको वॉश करते हैं ताकि इनका कड़वापन चला जाए, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते। ना तो हमने कभी इनको नमक लगाया, ना ही कभी धूप में रखा है, डायरेक्ट ही ये देखिए इनको छीला है और बारीक बारीक कटिंग कर ली है। और इसका पानी जो है ना वो मैंने स्ट्रेन होने के लिए रख दिया, ठीक है। बारीक बारीक करेलों को कटिंग कर लेंगे, ना मैंने इनको नमक लगाया ना धूप लगाई है, ठीक है। तो जी ये साथ ही हमने ये चिकन जो लिया है हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करके लेमन लगाकर मैरिनेट करने के लिए रख दिया ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जब तक चिकन को लेमन नहीं लगाते हैं तो इसकी स्मेल नहीं जाती है, ठीक है। ये साथ ही हमने 3 पाव प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक कटिंग करके रख लिया है, ठीक है। और ये हमारे 1.5 किलो करेले हैं जिनको मैंने वॉश करके बारीक बारीक कटिंग कर लिया छील कर, ठीक है। ये देखें जी, इसके साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज लिया जिसको मैंने चॉप करके रख लिया है। और ये साथ ही टमाटर और साथ में सेपरेट सब्ज़ मिर्ची लिया मैंने बिल्कुल साबुत। और ये हमारे साथ ही स्पाइसेस हैं, रेगुलर स्पाइसेस, नमक, हल्दी और मिर्ची, ठीक है। ये देखें जी, इसके साथ ही मैंने सूखा धनिया लिया है चॉप किया हुआ, क्रश किया हुआ। ये हमारा लहसुन और प्याज है जिसको हम अपने चिकन को इसके अंदर हम इसकी कुकिंग करेंगे, ठीक है। ये देखें जी, इंग्रेडिएंट्स देख लें, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई मैंने एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किए हैं, डेली के मसाले हैं जो हमारी हंडिया में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सूखा धनिया, ये लाल मिर्ची, नमक और हल्दी, ये टमाटर और सब्ज़ मिर्ची, ये क्रश की हुई मिर्ची, ये करेले, प्याज और चिकन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल यूज़ की किचन की चीज़ें हैं, कोई एक्स्ट्रा बाहर की चीज़ नहीं है जो हमारे किचन में अवेलेबल ना हो। चलें जी, ये 1.5 किलो करेले हैं, ठीक है। ये 3 पाव प्याज है हमारा, और ये हमारा 3 पाव चिकन है, ठीक है, जिसको हम इस मसाले में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ठीक है। ये 1 प्याज है और 1 ही लहसुन का प्याज है, ठीक है। ये देखें जी, इसके साथ ही ये स्पाइसी हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन में, ठीक है। सबसे पहले प्याज और लहसुन को फ्राई करेंगे, ठीक है। इस चिकन के लिए हम करेंगे फ्राई, ठीक है। इसमें हम अपना टमाटर और ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, देन अपने स्पाइसेस को ऐड करेंगे और इनको हम सेपरेट फ्राई करेंगे, ठीक है। ये करेले भी हम सेपरेट फ्राई करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम अपने करेलों को फ्राई करते हैं, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करेले ले लिए हमने, ये हमने ले लिया है ऑयल। ऑयल हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि करेले चिकन में ऑयल फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और सेपरेट चिकन जो ऑयल होता है ना वो दोबारा किसी हंडिया में भी यूज़ नहीं होता, तो वो फिर वेस्ट ही जाता है। तो मुनासिब सा ऑयल लेंगे, इसमें अपने करेलों को फ्राई करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें, हम इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया हमने। फ्लेम हम जो है वो लाइट सी हल्की सी फ्लेम रखेंगे ताकि करेले जलें भी ना और अच्छे से प्रॉपरली कुक भी हो जाएं, ठीक है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो करेले हैं वो फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। देखें, कलर चेंज हो गया इनका, ये देखें। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो गए हैं करेले हमारे, अच्छा सा कलर इनके इन पर आ गया। ये देखें, ब्राउन हो गए। इसको हम सेपरेट, जो ऑयल सेपरेट कर देंगे और अपने करेलों को अलग से बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखें जी, कितना प्यारा कलर आया है। टेस्ट मैंने करके देखा है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं बना। ये देखें जी, सारे करेले हम सेपरेट निकाल लेंगे और माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है हमारे करेलों का।
देखें 1.5 किलो करेले थे, कितने थोड़े से बन गए हैं देखें फ्राई होने के बाद, श्रिंक हो जाते हैं ना ये। अब हम इसी प्याज, अब हम अपना प्याज लेंगे और इसी घी के अंदर हम अपने प्याज को फ्राई करेंगे, ठीक है। चलें जी प्याज को फ्राई करते हैं। चलें जी ये हमारा घी है वही करेलों वाला, इसी में हम अपने प्याज को फ्राई करते हैं, ठीक है। प्याज आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल फुल रेड या ब्लैकिश कलर में प्याज आ रहा है या फिर वाइट प्याज आता है। ये वाइट प्याज तो है ना जो कुक ही नहीं होता, बहुत हार्ड किस्म का प्याज है ये। चलें जिसको भी हम फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। कटिंग देखिए मैंने बिल्कुल बारीक की है। चले ये देखें जी प्याज भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई होना स्टार्ट हो गया, कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। ये देखें जी कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये देखें कैमरा पर स्टीम पड़ रही है जिसकी वजह से वीडियो ब्लर हो रही है, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। ये देखें जी फ्राई होना स्टार्ट हो गया प्याज हमारा। चलें जी दूसरी तरफ हम अपना आटा गूंद लेते हैं, क्योंकि करेले और चिकन के साथ रोटी ही अच्छी लगती है घर की। आटे को हम करते हैं स्ट्रेन, छान लेते हैं स्ट्रेनर की मदद से। चलें जी आटा हमने छान लिया स्ट्रेनर की मदद से। और जी इसमें हम पानी ऐड करेंगे और हल्के हल्के हाथों प्यार से हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हल्के हल्के हाथों मिक्स करेंगे, प्यार से गूंदना है। दूसरी साइड पर हम अपना प्याज चेक कर लेते हैं वो किस कंडीशन तक पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। इसको हम ऑयल से सेपरेट करके स्ट्रेन करके सेपरेट निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। आटा जो था मैंने डो बनाकर उसको रेस्ट के लिए रख दिया था, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए गूंदेंगे और फिर बहुत अच्छी सी इसकी शेप आ जाएगी, ठीक है। चलिए जी प्रेशर में हमने घी ली है, इसमें हम अपना लहसुन और प्याज ऐड कर देंगे। जिंजर मैंने आपको बताया था कि हम जिंजर का यूज़ नहीं करते हैं घर में, कोई भी अदरक को पसंद नहीं करता। तो जी इसके साथ हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे इसमें। चलें जी और इनको हम सॉटे करते हैं। सॉटे होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। कलर देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे कलर हैं। तो जी आटा मैंने जो है वो गूंद कर बिल्कुल रेडी कर लिया। देखें कितना स्मूथ डो बना है इसका। इसको हम कंटेनर में निकाल लेंगे। बहुत ही फ्लफी और बहुत ही मज़े की रोटी, इस तरह फूली फूली रोटी बनती है। ये हमने साइड पे रख देंगे, ठीक है। मसाला हमारा सोटे हो चुका है, ठीक है। ये देखें जी इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे, स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक मिर्ची और हल्दी ऐड किया इसमें, करते हैं मिक्स। देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है मसाले का। चलें जी अब इसमें ग्रीन चिलीज को ऐड करेंगे हम। ग्रीन चिलीज को लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से हंडिया में आ जाए। अगर हम पहले ही ऐड करेंगे तो ग्रीन चिलीज जल जाती है और उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता, ठीक है। इनको करते हैं हम मिक्स। अब इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, ठीक है। चलें जी मिक्स किया इसको और अब हम अपने प्रेशर की लिड देकर कवर कर देते हैं, ठीक है। चलें जी प्रेशर को कर दिया हमने बंद और चलने के बाद 10 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से मसाला गल जाए। जैसे ही मसाला कुक हो जाएगा इसमें हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है ना इसमें ऐड कर देंगे। देन इनकी हम भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, ठीक है। चलें जी 10 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर का लिड उतार दिया हमने और देखें मसाला जो है वो काफ़ी कुक हो चुका है अच्छे से। इसको अब हम मैश करेंगे और ये देखें जी हम इस तरह से इसको मैश करेंगे। ये देखें हल्के हल्के हाथों इसको इजीली मैश हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है।
अब इसमें चिकन ऐड करेंगे अपना और इसको करेंगे हम मिक्स मिक्स। तब तक हम इसको कुक करेंगे जब तक कि हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और चिकन अच्छे से हमारा फ्राई नहीं हो जाता। ठीक है, ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और कलर बहुत ही प्यारा आ रहा है। कैमरे में स्टीम पड़ रही है, ब्लर हो रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। आपको पता है एक हाथ से कुक कर रही होती हूँ, एक हाथ से शूट आउट कर रही होती हूँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो गया, देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। और देखें चिकन भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, इसकी फुल कुकिंग हो चुकी है। ठीक है, फुल कुक हो गया ये। चलें जी अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया, इसमें हम अपने फ्राई के वो करेले ऐड करते हैं। करेले चेक करें 1.5 kg करेले थे और फ्राई करने के बाद कितने कम सी क्वांटिटी इनकी हो गई है, ये देखें जी। अब इसके साथ हम अपने फ्राई किए हुए प्याज इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, देखें कितनी थोड़ी सी हंडिया बनी है। इसके साथ ही हम जो साबुत ग्रीन चिलीज रखी हुई थी 4 वो ऐड करेंगे ताकि अच्छे से इनका टेस्ट जो है ना हंडिया में आ जाए। ठीक है, और इसके साथ ही हम अपना सूखा धनिया ऐड करेंगे क्योंकि गरम मसाला हम यूज़ नहीं करते हैं। सूखे धनिया के साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है हंडिया में। ठीक है, देखें जी अब हम इसमें अपना सूखा धनिया ऐड करेंगे क्रश किया हुआ। और मैं आपसे माजरत चाहती हूँ कि फ़ाइनल शूट करना, डिश आउट करके इसको शूट करना, वो मैं भूल गई थी। देन यहीं पर मैं अपनी रेसिपी को क्लोज़ करती हूँ। देखें अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी फुल डिटेल से मैंने आपको बता दी है। आप भी इसी मेथड से करेले बनाइएगा और मुझे बताइएगा कड़वे बने हैं या नहीं बने। सो दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।